उसके बाद तुमने कैसे वाली बात भी यही बताओगे हमने। और हमारे ब्रो लेके आए हैं हमको, और ब्रो थैंक यू वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। हमारे विनीत ब्रो लेके आए हैं यहाँ पे, और बहुत बहुत धन्यवाद ब्रो आपका। और तो बैठने का अच्छा है यहाँ पे, आप देख सकते, देख लो भाई, मतलब दो बार बढ़िया रखा है ना, टू सीटर भी है, फोर सीटर भी है, और ग्रुप भी है, ग्रुप का भी है पूरा क्या। और कपल, अच्छा कपल फ्रेंडली है, ठीक है। आपको दिखाएं तो हमारे विनीत ब्रो भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं और ब्लॉग बना रहे हैं, तो इनको भी, अच्छा आप स्नैप भेज रहे हो। जो भी मेरठ में रहने वाले हैं, ये है आपका सुभारती वेद व्यासपुरी में मेरठ, जो भी यहाँ के रहने वाले बच्चे हैं, वैसे अधिकतर तो हमारे दोस्त लोग ही देख रहे हो, तो भाई हाँ हो सकता है मैं लेट आया हूँ, मेरे से पहले भी काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो हमारे जैसे हमारे दोस्त आ चुके हैं पहले। क्यों ब्रो कुछ कहना चाहोगे पहले अपने पुराने प्रश्न? हाँ बिल्कुल, कहना चाहेंगे यहाँ पे आए थे किंग ऑफ मोमोज नाम है, वैसे तो ये फेमस है, मतलब जो बेसिकली जो एक बार फोटो खिंचा लो, तो भी इधर भाई अपनी जरूर भी आ जाएंगे इसमें। अच्छा तो हाँ वैसे तो बेसिकली ये है, मतलब बेसिकली एक ही चीज़ के लिए बनाया ना, किंग ऑफ मोमोज नाम से जैसा लग रहा हो, लेकिन मोमोज बोलता नहीं यार, गंदे इतना मजा नहीं आया, सुन चाप बढ़िया है, लेकिन चाप बढ़िया चाप है, ब्रो है ही स्मार्ट, थैंक यू। फिल्टर हटाओ, अरे फिल्टर सॉरी ब्रो। तो आपने सुना कि मोमोज अच्छे नहीं है वैसे भी, लेकिन चाप बढ़िया, किंगडम ऑफ मोमोज के नाम से ही फेमस है, लेकिन मोमोज ही अच्छे नहीं है, लेकिन चाप अच्छी है, उसके अच्छे हैं। क्या नाम है किसके यहाँ खाते हैं? लेकिन फिर भी यह है कि और जगह से बैठ रहे, एक मोमोज ब्रो ने भी खिलाए थे यहाँ पे, ब्रो याद है पनीर मोमो ही थे, उन्होंने कहा कि यही खा लो, लेकिन उसके बाद हम हुकुम में भी गए, उसके बाद हुकुम में गए, वहाँ 50 रुपये तुमने कैश लिए। अरे ब्रो कैश वाली बात भी यही बताओगे अंडे? हमने ब्रो से, ब्रो वहाँ पे कैश देने वाले थे, तो ब्रो से हमने कैश ले लिया कि ब्रो आप हमको कैश दे दो, हमको अंडे लेने हैं। कितने अंडे लिए थे ब्रो? कच्चे? कितने अंडे? कच्चे अंडे, कच्चे नहीं ब्रो, वो करने अंडे छिलवाए भी थे तुमने? नहीं ब्रो छिलवाए नहीं थे, वो बिना छिलवाए थे। चलो कुछ तो सही किया, पूरा मेन्यू चेक करा, पूरा मेन्यू दिखाया, तो फिर बस अंडे ही चल जाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है और कुछ नहीं, 50 रुपये कैश लो अंडे ले लो, सही है ना। तो अब हर जगह फूड ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर दी है, तो ये आई है मलाई चाप, और हम तो ब्लॉगर हैं, अब ब्लॉगर हर तरीके में आ जाते हैं। हाँ ये फीट रुपये की है, और इससे बिल्कुल वसूल नहीं होती, उसके लिए एक वो क्या है बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा क्योंकि जो भी बच रहा है ना वो इसी से बच रहा है ब्रो, इसी में तो है जो कुछ है। हाँ ब्रो इसी में, मतलब इसी से वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह से इसको चाट रहे हो, तुम इसको इस वाली उंगली से चाट रहे हो, मैं दिखा नहीं सकता मेरी उंगली छोटी है। और ये लोग जो फैंसी टाइप के लोग हैं ना, वो बिल्कुल नहीं करते। मैं भी देखो थोड़ा, जैसे हमारे एक लोग ने, हमारे मित्र ने बताया था, रोबिन मित्र ने, कि जो फैंसी लोग होते हैं, एक वो भंडारे वाला वो लोग आने वाला है ना हमारा, वो शायद इसके बाद है, नहीं वो इसी में आ जाता है, मतलब ब्लॉगर एक ही है।
हाँ मेरा कुछ कहना चाहते हो? अरे यार मैं पूरा भाई चाप अच्छी है ब्रो, अच्छी है ना चाप इसकी? बहुत बढ़िया चाप है, मलाई चाप मंगाई थी और हम ऐसी खाई कि जो बोल देना कि प्लेट चाटते रह जाओगे, तो वही है हाल। ये देखो प्लेट का हाल क्या है यहाँ पे, हालांकि पूरी तरीके से हमारे दो भाई नहीं कर पाए, हम तो कर लेते हैं, हम तो शर्म नहीं आती हम तो, हम तो एक नंबर के बेशरम हैं और गरीब भी हैं। तो ये कैसी होती है ब्रो हनी चिली पटेटो? ये ब्रो ये कैसी होती है हनी चिली पटेटो? भाई हनी चिली पटेटो भी है यहाँ पे। कौन सी है ब्रो हनी चिली? शादी पटा होता है सच में भाई जी, मंगा रहे हो कैसे भी मंगा लो। हम खा रहे हैं अभी हनी चिली पटेटो और अभी देखते हैं कि ये हनी चिली पटेटो जो हैं वो कैसे लगते हैं और कैसा उनका स्वाद है। हमारे ब्रो बोल रहे हैं कि अच्छे हैं, क्यों ब्रो अच्छे और अच्छे हैं और क्या अच्छा। और भाई यहाँ की ना किंगड ऑफ मोमोज की सर्विस बहुत बेकार है, बिल्कुल क्यों नहीं भाई है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है। हम ने ये मंगाए एक घंटे से तो ये ही बना रहा था कि टाइम लगता है टाइम लगता है, अब हमें नहीं पता कितना टाइम लगता है, लेकिन अभी ये और बुला रहे हैं, ये आ नहीं रहे हैं, अब भाई आएगा अभी ऑर्डर देंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा क्या ना होगा। ले तो लिया ऑर्डर इन्होंने लेकिन पता नहीं कब तक ऑर्डर आएगा बताऊंगा। यह हैं ब्रदर के हनी चिली पटाटो। अब इनमें क्या क्यों ब्रो इनमें क्या दिक्कत है? देखो अब ये हैं, इन्हें खा के देखते हैं। मेरे तो बढ़िया बढ़िया। कौन बोल रहे थे कि अच्छे नहीं? इसका बिल अलग बनाइयो। मैंने मोमोज लिखा था क्या चिली पोटैटो की बात करी थी ब्रो ने, और वो भी ये चिली पोटैटो नहीं है सूखे। क्या ब्रो बताना जरा क्या है, चिली पोटैटो नहीं है? चिली पोटैटो इसका बिल अलग बनाइयो भाई। अरे भाई ये वो मेरा मैं बना रहा था उसके लिए। खोपड़िया वाह ब्रो से तो पुर्तगाली। ये देखो भाई ने लिखा है बहुत ही अच्छा कुछ थॉट्स। ये सर जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ के आते हैं, बोले तो पोइट्री शॉप। फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना ना भूले। क्या हाँ तो नीचे लिख देना, हाँ नीचे लिख वीनू और क्या। सही है अब ठीक है, शब्द हमारे विनीत ब्रो के हैं और लिखा हमारे लास्ट छिगी ने, ठीक है। तो हाँ क्या था वो, क्या लाइन थी, लिख रहे हैं सुभाष सिंह तोमर शब्द हमारे यार के विनीत सिंह, कुछ कहना चाहते हैं यार हमारे हार के। तो ब्रो अच्छा है ना, ये वाली बोतल देख ली थी ना, बोतल देखो ब्रो ये वाली प्लेट देखी थी ना? हाँ देख ली थी, कर दिया है पे और निकल चुके हैं और यहाँ के चिली पटेटो अच्छे हैं और गाइस यहाँ के क्या ले हो दूसरे हो मलाई चाप भी अच्छे हैं और सस्ते भी हैं, किफायती हैं, अच्छे दामों में हैं। बस सर्विस यहाँ की बहुत बेकार है क्योंकि आप बुलाओगे एक घंटे में आते हैं, शायद इनके पास स्टाफ की कमी है, मे भी ऐसा हो सकता है उसकी कमी से, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगी सर्विस क्योंकि हमने इनको बुलाया और टाइम से आए नहीं हैं, अब करें तो क्या करें और ना करें तो क्या करें, बस खाना पड़ा। बाकी लोग यहीं पे एंड करते हैं और इस लोग को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर
कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो यार, ठीक है, अच्छे लोग हो, चलो बाय।